और क्या चैप्टर का नाम है रीजनिंग में? आम का नीति, आम का नीति का इंग्लिश क्या होता है? आम के नीति का इंग्लिश क्या होता है? मेडिकल रीजनिंग। यानी आप मेडिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि आपका चैप्टर का नाम, पहले हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जितना सारे इसमें क्वेश्चन होगा सब कोचिका होगा, केवल खाली मैथ ही होगा। जितना मतलब जैसे करने का मतलब होता है कि जितना कोई जरूरी एक चैप्टर से होता है, ठीक है, सबसे आपका मिझरा हुआ चैप्टर इसमें मिला हुआ रहता है। जैसे इसमें पढ़ना क्या क्या आता है, किस तरह से आता है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है कुछ नंबर ऑफ कैलकुलेशन पैसेज प्रॉब्लम, यानी कहने का नंबर जो होता है कैलकुलेशन करने के लिए, उस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये दूसरा क्या आएगा कि एवरेज और एज पैसेज प्रॉब्लम, यानी एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत एज का मतलब आयु, यानी औसत आयु जो होता है ज्ञात करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा। फिर दूसरा तीसरा क्या है कि डाटा पैसेज प्रॉब्लम, यानी डाटा किसी का डाटा निकालना होगा तो उस तरह से क्वेश्चन रहेगा इसमें। फिर क्या रहेगा कि वेन डायग्राम पैसेज प्रॉब्लम, वेन डायग्राम का मतलब होता है जैसे इस ये जो डायग्राम हो गया, जैसे नहीं बोलते हम लोग कि 10% मान लिया जाए कि गणित पढ़ता है, 10% मान लिया जाए कि विज्ञान पढ़ता है, अब कोई बोल देता है कि 5% मान लिया जाए दोनों मिला के पढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है वेन डायग्राम, मानी इस तरह से आपको क्वेश्चन आते रहेगा। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन इसमें देखिए दिए है, क्वेश्चन एक बनाइए, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है और उस संख्याओं को, उस संख्याओं के दो अंकों का योग भी 5 है। कहानी का मतलब है कि 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित भी हो जाए और दो संख्याओं जोड़ने के बाद हमको कितना चाहिए, 5 आने चाहिए। अब देखिए बनाएंगे इसे। सबसे पहले एक चीज बताइए कि 5 से पूरी पूरे, जैसे 11 से 50 तक बोला हमको, 11 से जब 50 तक बोला है भाई, तो लेकिन बताइए 11 से 50 तक 5 क्या 12 कटेगा, 13 कटेगा, 14 कटेगा, कितना 15 कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 11 से 50 के बीच बोला है ना, तो 11 से 50 के बीच लेंगे तो यानी 15 कट जाएगा। पंद्रह कटेगा, एक कितना कटेगा, 20 कटेगा, एक 25 कटेगा, 30 कटेगा, 35 कटेगा, 40 कटेगा, 50 कटेगा, यानी 50 तक हमको बोला है ना, 11 से 50 तक। अब बोला है कि जब 5 से पूरी तरह कट गया लेकिन दो संख्याओं के जोड़ने के बाद हमको कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए 5 कितना देगा, 6 हो जाएगा, 2 और 0 कितना, 2 हो जाएगा, 5 को 7 हो जाएगा, 3 और 0 कितना, 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, 5 4 और 0 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 5 और 0 कितना हो जाएगा, 5। यानी कितना संख्या है, एक ही संख्या है, यानी 50 जो है ऐसी संख्या है जो जोड़ने के बाद 5 भी आ गया, भाग पूरी तरह से कट गया, यानी क्या कोई संख्या हो गया, यानी आंसर क्या बोल रहा है इसका।